محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. पूरी मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। सबसे पहली गुजारिश ये है कि जिन हजरात के पास मोबाइल है बराए मेहरबानी उसके मुंह में भी कल ले ली। वो कब रोता और कब सोता पता है। अचानक रोना शुरू कर देता है और आज के जमाने में एक माँ को अपने बच्चे की उतनी फिक्र नहीं जितना कि हमको हमारे मोबाइल की। रातों में जब बच्चे रोते तो रोना तो दूर की बात के बच्चे अगर करवट भी पलटते तो माँ की नींद होशियार हो जाती।
लेकिन आज बच्चे उठकर रोकर पेशाब करके सबसे थक कर फिर सो जाते हैं मानी उठ रही है। बात सही की गलत है? कम से कम मुंडी तुझे हलाओ। क्या बोधन में मार्क्स नहीं है क्या? था एक दौर ऐसा ऐसा दौर नहीं। बच्चा रोए तो मां उठने तैयार नहीं। करेंट चलेगा पूरा घर उठ जाता था जुल्मों के साथ। करेंट चला गया, प्यार बंद हो गया, बेडलाइट ऑफ हो, इसलिए उठे नहीं। करंट चले गया ना, मोबाइल चार्ज बोले को था ना, अब सारा दिन मेरे ऐसा चलेगा। मैं आमतौर पर कहता हूं बोधन के मुसलमानों, जिस वक्त हमारा रिश्ता मोबाइल से कमजोर होगा उस वक्त से हमारे आमाल मजबूत हो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छह भाटा आते तो बोलना सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा लंबा बयान करा तो इन्ना लिल्लाह बोलो, खत्म कर बोलो क्या तभी बोलो। जिस वक्त गुलामान मोहम्मद आशिकान औलिया कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मर्द हो के औरत बच्चे होके जवान होके बूढ़े उलमा होके जोहला अपना रिश्ता मोबाइल से कम और कमतर करेंगे, ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो, कम करेंगे रिश्ता कमजोर करेंगे उस वक्त से हमारे आमाल में इजाफा होगा। करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मुझे मोबाइल पे बात नहीं करना है, मुकदमे के तौर पर दो तीन बातें अर्ज करता हूं, उसके बाद अपने उन्वान की तरफ आता हूं। दूसरी बात, नाज़िमे इजलास अच्छे तरीके से इस आजीज और गुनहगार को जानते हैं, पहली मरतबा मुझे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है। आमतौर पर जलसों में, सीरत के जलसों में, शान औलिया के जलसों में, मदारिस के जलसे में जब किसी आलिम का इस्तकबाल करते हैं तो ये कहते हैं कि नाचीज दावत को कबूल फरमाया। मेरे वालिद ने ये मेरी इस्लाह की जब एक जलसे में मैं नजामत कर रहा था। सीरत का जलसा जो होता है या सीरत की जो दावत होती है वो नाचीज दावत नहीं है, सबसे बेहतरीन दावत होती है। दस्तार बंदी के इजलास की जो दावत होती है वो नाचीज दावत नहीं बल्कि चीज दावत है। शाने औलिया का इजलास होता है उसमें जो दावत होती है नाचीज दावत नहीं। मेरे वालिद ने मेरी इस्लाह फरमाते हुए फरमाया कि बेटे जब तुम्हें तुम्हारे घर को दावत दी है तो बोलना नाचीज दावत को आपने कबूल फरमाया, क्योंकि इस्लाम सरापा अदब है नहीं। अदब का नाम इस्लाम है, इस्लाम का नाम अदब है, बात का नाम इस्लाम है, इस्लाम का नाम बात है। मेरे वाली जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे नसीहतों से आरास्ता व पैरास्ता और नसीहतों की विरासत पेश करते हुए इरशाद फरमाया, बेटे जिस मुसलमान को बात करना नहीं आता समझो कि उसका ईमान कमजोर है।
मैं अहम पैगाम देना चाहता हूँ, बात आ गई, सोच कर नहीं आया, मेरा रब दे रहा है बात करने का है मुसलमानों सलीफा सी को। सारी दुनिया में जमीन में चलने फिरने वाली जितनी जानदार मखलूकात है, समझ में आ रही है बात? तेरी बेंगलुरु की उर्दू तुम्हारी गोधन की उर्दू मिलती जुलती? अच्छा, वैसे तो ये पूरे इलाकों की उर्दू इस वक्त आईसीयू में है। हमारी उर्दू को अगर लखनऊ वाले सुन गए तो बेहोशों को गिर जाएंगे। आज भी वहां उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, हाओ को हाथ बोलते वहां, क्या हमें हाँ को? हैदराबाद में एक लखनऊ वाला आया करते, बंदी अटैक करना नहीं, तुम्हारी उर्दू कौन सी सीधी हजरत बोलकर, तुम ना समझाते समझाते मेरी उर्दू बिगड़ गई सर। फसी उर्दू कौन समझती थी ना बना था? तू दक्कन का बच्चा है दक्कनीच बोल, तुझे क्या पड़ी है के अपनीच बोल। हमें दक्कन के लोग हमारी दक्कनी जुबानी हमारे वास्ते खूबसूरत। लखनऊ का एक आदमी हैदराबाद को आया, नामपल्ली स्टेशन पे खड़ा है, सिकंदराबाद को जाने की बस कोसी मालूम नहीं। साहब को पूछे लखनऊ वाले, मोहतरमुल मकाम काबिले सतेहतराम अजीज मुकर्रम बराए मेहरबानी, आप जरा सिकंदराबाद रवाना होने वाली बस की निशानदेही फरमा सकते हैं? क्या हुआ होगा हाल उसका? उर्दू नहीं तेलुगु जानता है, इसकी मजबूरी उर्दू नहीं आती, मेरी मजबूरी तेलुगु नहीं आती, और एक आदमी के पास गया। अचानक बस पर नजर पड़ी, फिर उसे पूछिया दर्रा उर्दू को हल्का कर दो, जनाब आलम क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाँ। इसका हाँ इसे समझ में नहीं आया। एक 15 मिनट इंतजार किया और एक बस आई, आने के बाद फिर और एक आदमी पूछा भाईजान स्टॉप कैसा उतर रहा देखो, भाईजान क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाँ होगा। बस में चढ़ते चढ़ते शुक्रिया अदा करते हुए बोलिया, आपसे पहले एक आदमी पूछा भाई तो उन्हें हाउ बोलिया, आप हाँ बोले, ये हाउ का तो क्या? तो उन्हें बोलिया अनपढ़ लोग हाउ बोलते, पढ़े लिखे लोग हाँ बोलते। तो आप पढ़े लिखे हैं? आओ। आप पढ़े लिखे अपनी जुबान बतौर खास उर्दू जुबान खूबसूरत बना है। सारी दुनिया में अरबी जुबान के बाद सबसे ज्यादा खूबसूरत सलीका मन बा अदब जुबान उर्दू। कुछ ऐसे खास इम्तियाजात उर्दू को हासिल है, अगर ये उलमा मुझसे पूछे तो मैं इनके सामने मेरा सबक पेश कर सकता हूं कि वो इम्तियाजात तो अरबी में भी। खुदा अता करता
घर की दावत हो तो नाचीज दावत, शादी की दावत हो तो नाचीज दावत, बर्थडे की दावत हो तो नाचीज दावत, और भी कोई हमारे अपने जात से ताल्लुक रखने वाली दावतें हो तो नाचीज दावत। ये नाचीज दावत को दो तरीके से बोल सकते हैं, नाचीज दावत, नाचीज की दावत। ये काकी के है ना उर्दू में है, किसी और जुबान में नहीं है, मुस्तकिल अलग का की के, ये सिर्फ उर्दू में है, किसी और जुबान में नहीं, पारसी में नहीं, इजाफत के अंदर काकी दाते की काकी के दाखिल, अरबी में भी इजाफत ही के अंदर काकी के दाखिल, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, ये का से आया, इजाफत के अंदर आ गया, किताब खुदा, खुदा की किताब, काकी के का आया, इजाफत के अंदर आ गया। बात दूसरी जुबानों में लफ्ज ही के साथ मिलकर आ जाता है, मुस्तकिल का की के, ये उर्दू की शान है, इसे जहां बोलना जैसे बोलना, बड़े सोच कर बोलना, जहां इस्तेमाल करना वही इस्तेमाल करना। हमारे बेंगलुरु में एक जमात है, यहां है कि नहीं है कि खुदा करे कि ना रहे, दिल की नमाज वालों की जमात, सुने कभी भी नहीं सुना तो फिर नको भाई मैं आपको सिखा को दिए सका हो नहीं गा, नमाज इतनी पढ़ते, अरे नहीं 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 भाई नमाज का वक्त होगा, नमाज पढ़ो, पढ़ लिया जी, कहा पढ़े, दिल में पढ़ लिया, फिर खाना भी दिल में खा लेगा, शादी भी दिल में कर लेगा, बच्चे भी दिल से होते, नाचीज दावत, नाचीज की दावत, नाचीज की दावत आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दीन की दावत हो के गैर दीन की दावत, क्योंकि देने वाला अपने लिए आजीजी को इख्तियार करता है और खुद के लिए आजीजी ये विलायत की दलील है। आदमी जब तकब्बुर करता है विलायत को कतरा नहीं, ईमान को कतरा है, आदमी जब गुरूरी करता है विलायत को कतरा नहीं, ईमान को कतरा है, मगरूर लोगों से खुदा ईमान छीन लेते हैं। आदमी जितना चाहे अपने आप को झुकने और झुकाने की कोशिश करे, हमारे बंगलौर में एक लफ्ज है आजीजी अल्लाह राजी, बड़े से बड़े सत्तरीन मसाइल आजीजी से हल हो जाते। पुलिस वाला रस्ते में पकड़ लिया, टू व्हीलर को पकड़ लिया, उधर पे पकड़ दे, नहीं कर तो बोलो भाई यहाँ चला तू, हमारे बेंगलुरु में बहुत पकड़ दिया, देवान से चुटके दे पकड़ दे, एक बार तो पकड़े पूरा अपडेट अप टू डेट पूरा बताया, फिर बोल रहा है तुम्हारे नंबर प्लेट में गंदगी ज्यादा है, साफ करना, बराबर दिखना नहीं नंबर नंबर प्लेट अच्छा है तेरा आईने बराबर दिख रहा है, पूरा अपडेट और अप टू डेट है पूरा, फिर भी पकड़ लिया। जब मैं उसे लग रहा पेश करा तो बोला खैर जाओ मोहित साहब, तेरा कैद भी देकर जाओ, बता बड़ा तंग कर दिए धमकौर, पुलिस वाला पकड़ता नहीं पकड़ता, हर पुलिस वाला पकड़ता, लेकिन हर पुलिस वाले को हर गाड़ी वाला मिलता नहीं, उधर देख लगा इधर कट, डर जाते। मैं अक्सर कहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, बोधन के अतराब अकनाब के पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे जवान भाइयों, बुजुर्गों, कान खोल कर जुमले को सुन लेना और दिन की तख्ती में लिख लेना, रब्बे काबा की कसम खा कर कहता हूँ, ये
ये पुलिस वाले को देखकर एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से हम जितना डरते हैं, इसका सवा हिस्सा भी हमारी अपनी जिंदगी के हिसाब को सामने रखकर अल्लाह से डरते तो आज गोधन में हर बच्चा अल्लाह का वली होता। वली बनने के आसान नुस्खे, उसमें से एक नुस्खा क्या, जो बंदा खुदा से जितना डरता है अल्लाह ताला मौत से पहले उसे अपनी खास विलायत अता फरमाती। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें जगले पर रहे तो मैं भी जगले पर रहता हूँ, सभी तो मैं भी सो जाता हूँ। अल्फाज सुने मेरे, जो बंदा अल्लाह ताला से जितना डरता है उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले खास विलायत अता फरमाते हैं। क्या विलायत? खास विलायत। हजरत विलायत खास भी है आम भी है क्या? हाँ, विलायत की दो किस्में, एक विलायत है आम, एक विलायत है खास। और से सुनना, अगर सुनकर याद नहीं रखेंगे, अमल नहीं करेंगे तो फिर भी मैं 10-15 मिनट एक दो वाक्य बोलकर खत्म कर देता हूं, लेकिन अब वक्त नहीं है। सुनो, गौर से सुनो, याद रखो, अमल करो, फिर देखना सारे आलम के नतीजे क्या होंगे। खाली रोले पढ़ने से मोदी उतरता नहीं, पूछ ले तो रहे तो योगी भागता नहीं। मोदी को उतारने के लिए, योगी को भगाने के लिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने के लिए, सारे आलम के हालात को बदलने के लिए रोना और पूछना नहीं, अमल जरूरी। और सारे आलम के हालात यहूदी नहीं बदलेंगे, सारे आलम के हालात ईसाई नहीं बदलेंगे, सारे आलम के हालात मूर्ति की पूजा करने वाले नहीं बदलेंगे, सारे आलम के हालात को खराब करने की ताकत भी हमारे पास, सारे आलम के हालात को बेहतर से बेहतरीन बनाने के हालात भी हमारे पास, सारी दुनिया की मखलूकात में अल्लाह इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को आजमुल मखलूकात बनाया। हमें जो दिल, हमें असल मक्के मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा, अरब सऊदी अरबिया, मिस्र, बहरे, खतर, दुबई के हालात बिगड़ना तो दूर की बात, और से सुनना, अमरीका जैसे अय्याश फहाश, अमरीका जैसे अय्याश फहाश मुल्क के हालात भी अगर बगड़ते हैं, अमरीका जैसे अय्याश और फहाश हालात भी अगर बिगड़ते हैं तो ट्रंप या वहां के प्रेसिडेंट या वहां की आवाम जिम्मेदार नहीं, इस धरती के मुसलमान जिम्मेदार है। हमें कसल, जब जमीन में सहाबा थे हालात कैसे थे, पड़ो उठाकर इस जमीन में तालीम जो तब थे तब हालात कैसे थे, पड़ो, और इस वक्त हमें है तो हालात कैसे ही थे। तेरे आमाल से है तेरा बेशक। बोला सुन जा, क्या बोला?
तेरे आमाल से है, तेरा कितनी परेशानियों के पास आई।
कितनी परेशानियां उनके पास आई। नसीब अहमद गंगोही को पूछो कितनी परेशानियां आई। जैपल बसाई निंदादुल्ला वो हाजिर मक्की को पूछो कितनी परेशानियां उनके पास आई। अशरफ अली थानवी को पूछो कितनी परेशानियां उनके पास आई। हुसैन अहमद मदनी को पूछो कितनी परेशानियां उनके पास आई। रब्बे काबा की कसम ये तमाम के तमाम जिंदे औलिया थे जिन्होंने ये नमाज छोड़ना तो दूर की बात, इनकी जिंदगी की तकबीर तहरीबा तक नहीं छूटी। कुरान रोजाना पूरा ये पूरे दिन में ये कुरान पढ़ते थे, रोजाना हजारों दुरूद पढ़ते थे, लाखों दुरूद पढ़ते थे, लाखों तस्बीहात पढ़ते थे। तहमीद इनकी जिंदगी का वजीफा था, तकदीस इनकी जिंदगी का वजीफा था, तकबीर इनकी जिंदगी का वजीफा था, तस्बीह इनकी जिंदगी का वजीफा था। ये ऐसे औलिया थे मेरे रब की कसम, बालिग होने के बाद से लेकर मौत के लम्हे तक कभी किसी गैर औरत को नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक जुमला जहन में आ रहा है, बोलू काका की बोलता ना, ये भी बोलता रहता है। बाजरों का बोलते हम लगा को औलिया से मोहब्बत नहीं। जरा फैसला करो मेरे दोस्तों, मैं एक मिनट के अंदर कितने औलिया का नाम पेश किया, दस मिनट में कितने औलिया का नाम पेश करूंगा, सात मिनट में कितने औलिया का नाम पेश करूंगा। अरे औलिया से मोहब्बत न करने वाला वली तो वली मुसलमान भी नहीं। कभी किसी के पास परेशानी इम्तिहान बनकर आती है, कभी किसी के पास परेशानी क्या बनकर आती है, इम्तिहान बनकर आती है। अगर जगह तंग रही तो जरा सामने आ जाओ, जगह अगर जरा तंग रही तो सामने है। कभी किसी के लिए इम्तिहान बनकर, कभी किसी की आमाल की सजा। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं पीता नहीं, पिला कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानियां कभी किसी के पास इम्तिहान बनकर आती है, कभी किसी के पास आमाल की सजा बनकर आती। जितने औलिया का नाम लिया वो और उनके अलावा दुनिया में जितने औलिया हैं और दुनिया में जितने अंबिया हैं सबके पास मुसीबत आई, आई मुसीबत। आदम अलैहि सलाम के पास नहीं आई क्या मुसीबत? वो आने से तो वो ऊपर से नीचे उतरे, अगर नहीं आती तो हमें सब कूद हमें नहीं जन्नत के रखते। जन्नत में रहकर जन्नत पाना कमाल नहीं, दुनिया में रहकर जन्नत पाना कमाल है। जन्नत में रहकर जन्नत हासिल करना कमाल नहीं, रहे जमीन में मजा मिले जन्नत, रहे झोपड़ी में सुकून आए जन्नत का, खाए रोटी मजा आए जन्नत की रोटी का, पिए ऊधन के अतराफ और अनाफ के नहर और तालाब का पानी, लेकिन ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हारे गिलास के पानी में नहर तस्नीम का मजा है और वो मजा किसे आता है? अल्लाह के औलिया। हजरत काजी शुरई, क्या नाम? काजी शुरई। हजरत अबू बकर सिद्दीक,
حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی ان چاروں خلفاء کے دور خلافت اور امارت کے سارے عالم اسلام کے چیف جسٹس تھے. اور سے سننا بھائی, اب ایک 8 دن کے 10 دن کے بھی تو ایک مہینے کے بعد آیا تو پوچھوں گا بھی کیا بولے, بولو بولو हमारे पास जो इल्म है, बाहर से आने वाले के पास जो इल्म है, वही इल्म तुम्हारे शहर के उलमा के पास भी. लेकिन एक अजीब बीमारी है, बाहर को तोलते ही अंदर को ढकलते. मां का मिजाज पैदा करो. किसका मिजाज? मां का मिजाज पैदा करो. क्या हजरत मां का मिजाज? मां का मिजाज क्या है? उसका बच्चा कैसा भी रह दो, सारी दुनिया में उसी का बच्चा सबसे ज्यादा खूबसूरत. तसल्ली को नाम गोरा रखते गोरे बाप. चांद पाशा चांद 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 का टुकड़ा. बोलते नहीं बोलते 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 खान लोग सुनकर छेड़ देंगी. चांद पाशा गोरे बा नाम रखते तो कान छेड़ देंगी बोलकर अरबी में नाम रख देते हैं कमरुद्दीन. रखते नहीं रखते कमरुल इस्लाम कमरुल बुधन भी नहीं कमरुल इस्लाम. माँ का बच्चा पेट में रखी सो जनी सो दूध पिलाई सो सीने से लगाई सो सारी दुनिया के बच्चों में ये वाहिद बच्चा है जो इसको माँ कहकर पुकारता है, अम्मा कहकर पुकारता है, अम्मी कहकर पुकारता है. रब के काबा की कसम, उस बच्चे के मुकाबले में गोरा गुंता दादा अच्छा वाकियतन चांद पाशा हो उसे पेश कर को पूछो अम्मा ये दोनों में कौन खूबसूरत है, तो वो माँ कहेगी कि मेरा लाल जी ये बच्चे को वार को फेंकना. बोलते नहीं बोलते क्या माँ? हंजा खराब का देख तेरा लाल कैसा है? वो देख माँ एक ही जवाब देती है, तुम्हारे हंजा से मेरे बच्चे को देखो ना, तो मेरे हंजा से मेरे बच्चे को देखो. तुम्हारे आंखों से ना देखो मेरी आंखों से देखो. वो मिजाज आना चाहिए. बुखारा से उठकर अगर कोई मुहद्दिस आ भी जाए अदब करो, लेकिन पहले अपने इमाम का अदब. मैं बेंगलोर वालों के लिए पढ़ा, हैदराबाद के आलिम दीन हैदराबाद वालों के लिए पढ़े, तुमको जहन में रखकर नहीं पढ़े. गोधन का ये आलिम दीन बेंगलोर वालों के लिए नहीं, तुमको और तुम्हारी नस्लों को सामने रखकर पढ़े हैं. बेंगलोर के हैदराबाद के समरकंद के बुखारा के इधर के उधर के उलमा से ज्यादा एहसान मेरे रब की कसम तुम्हारे शहर के उलमा का तुम पर. मेरा उन्मान नहीं, इसमें ऑपरेशन नहीं करता मैं पोस्टमार्टम. और से सुनो, हजरत काजी सुरई, नाम क्या? काजी सुरई. काजी सुरई, मैं समझता हूं कि वाकया सुनने के बाद
जिनके घरों में बच्चे पैदा होंगे वो कम से कम ये इरादा करेंगे कि मेरे बच्चे का नाम इंशाअल्लाह इस वली के नाम के मुताबिक रखूंगा, रखूंगा नहीं रखूंगी भी अब ही ना। तकरीर गौर से सुनो, अंबिया औलिया सहाबा के नाम आए तो नोट करो, अपने बच्चों को वो नामा उठाकर तुम लगा रखता लो, हम ना सदाम लोगों। हमारे बेंगलुरु में करोना आया, तुम्हारे आया बेवासी कहाँ कहाँ आया, देखो पूरी दुनिया चुपकाया है तुमने, ढूंढ रू मिलिया नहीं निकला नहीं उन्हें, तुमने मिलिया तो मेरे पास देकर एक दज्जाल के बाद करोना ही वहां की एक ऐसी चीज है जो दुनिया की हर गली में जाती है। दज्जाल के बारे में आता है बल्कि करोना ही दज्जाल है, छोटा दज्जाल। दज्जाल के बारे में हदीस में क्या आता है, दज्जाल सारी दुनिया घूमेगा यहां तक के इंसानों की आबादी के खरियों में एक गली भी नहीं छोड़ेगा, दज्जाल फिर देगा। जो बात हमें दज्जाल के बारे में अहादीस में पढ़ते थे वो बात बीमारी की शक्ल में कोरोना में को से गांव को पूछे तो भी आया क्या बहुत आया है। अब लोग इतना डरे नाम से उतना इतना डरते थे उस जमाने में, अब देखो आपको एक दो तीन दिन तीन चार दिन में चल जाना था, एक मेहमान भी उसकी इज्जत कब तक करती, बोलो आपको एक दिन दो दिन में चलेगा तो इज्जत करती से धक्का बोलो हमें आया ना भाई, क्या दावत हुई, क्या जबरदस्त था, आप लोग भी क्या इज्जत से बैठे हुए। रोज दोपहर को 8 बजे बुला देता मजमा नहीं ना, हमारी भी इज्जत की हिफाजत किसी में है कि मैं एक दिन बयान कर रहा हूँ चल जाना, उत्तर मेहमान भी उत्तर वो धन में जमी है जमी नहीं है जमा या निशास के घर को कह दो एक दिन में दो दिन में आ जाना। ठीक है तो पहले दिन मुर्गी, दूसरे दिन अंडा, तीसरे दिन चटनी, वो चटनी दफ्तर काम में आने से पहले चले गए, फिर एक मुर्गी पड़ी होकर रखती। क्या बोली सर, उन्मान से हटा गई, मिसालें दे देकर मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह का वली कौन होता है। करोना भी चल जाना था, एकदम साल डेढ़ साल रखा इज्जत ही चलेगी। एक जमाने में पूरे बोधन में डेढ़ साल पहले ये तकनीक करोना आया बोलकर सुनकर रात की नींद उड़ी थी। अब बात कर रहा है मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ बंदे भी करोना, हाँ हो क्या भी चल रहा है, ये बेफिक्री आ गई है, आई नहीं आए अभी तक कौन बोला था, ये बड़े हुकूमत वाले, अब पब्लिक नहीं डर रही है, नहीं डर रही है पब्लिक, नहीं डर रही है ये मिनिस्टर आ लीडर आ सी एम आ पी एम आ बोलिए आधा किंसा पिंसा लगा डर तो मर रही है, पब्लिक नहीं डर रही है, डर रही है क्या। अब 2 साल के बाद पूछ ही नहीं पब्लिक अब कब आता सो करोना बोलो ठीक है, तो जितना आराम करोना में मिलना उतना आराम कल रात में बीजापुर में हो गया, अभी 1-2 साल रहता था ये औरतान की दुआ से चलेगा। अरे 2 साल रहता था बोले साहब ये, लेकिन औरतों की दुआ से चला गया। ठीक है तो करोना आपको सबको पता है, इनको नुकसान शोहर घर में, बाबा घर में, भाई घर में, बच्चे घर में, लेकिन घर के कोई किस्सा बना बना कर थकी तू कहाँ से अन्ना दिया, काउंसलर बाटिया ये मिले बाटिया, खाने वाला बाटिया, बैठने वाला बाटिया, बाटे नहीं बाटे वोटा कर रहे हैं तो दूध बाटे, मैं बोले साहब तू क्या भी करती तुम्हें दूध बाटो रोजाना, कहाँ बाटो फिर तू गाय बन जाओ रोजाना 10 लीटर दे डालो, बताना
दिनों में एक मोहतरमा मुझे फोन के लिए फोन कर कर पूछी हजरत बेटा हुआ है माशाल्लाह कोरोना का असर पड़ा नहीं हजरत क्या भी नहीं है अच्छा नाम जो मैं भी बेटा पिता लेके कर बैठा था लैपटॉप पिता सामने बता लेके बैठा हुआ था बड़ा फायदा हुआ हजरत सच में कहता हूँ कोरोना में 10-10 साल का वो मुताला नहीं हुआ जो एक साल में मुताला हुआ उनका फायदा हुआ अल्लाह कोरोना को जहाँ भी रखे सलामत रखे लेकिन यहाँ ना रखे जहाँ भी रखे एक गैर मुस्लिम के मरने के दिन में एक मौली साहब को दुआ को बुला लिया बहुत बड़े मौली साहब बाकी अब सालिहा के मुफ्ती साहब को बुला लिया गैर मुस्लिम के मरने के दिन उनको दुआ करो उनको बिठा लिया हालांकि इससे थे मौलाना मुफ्ती साहब जाना था बापिया को सालिहा बेलूर का मदर साहिब वहाँ के मुफ्ती साहब उनका फतवा सारी दुनिया में कबूल होता था कि यहाँ तक के अरब से सवाल आते थे उलमा की इस मसले में आपका क्या ख्याल है इतने बड़े मुफ्ती अब उनको बुला लो बेटा को बिठा ले गैर मुस्लिम के पैदा होने या मरने के दिन के जलसे में सब भी बयान करें तो यूँ भी बयान करें अच्छे आदमी थे क्या किए थे किधर किए थे करें दुआ करो उनको उनकी बिठा दे अभी इन्हें दुआ करें करना हाँ हाँ उलमा की नज़र भी बड़ी अजीब नज़र अब उन्हें दुआ कर रहे तक अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्रिया अल्लाह ये सामने बैठे थे ना मुसलमानों के लोग दुआ खत्म होते ही फतवा देने तैयार है कि अगर तुम बोली सब होते फतवे नहीं देते तो जाहिर ना फतवे दे दिया देरी नहीं देरी रत्ती एक चार महीने जमात गुजार कर आगा उन्हें फतवा दिया तो भी पहन लिया फतवा दे दाढ़ी पर अब सब अभी दुआ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्रिया अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना इला आखिरी ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخره اور بھی دعائیں إلى آخره ابھی لوگوں کو کیا سمجھ آتا غیر مسلم بھی تھے مسلمان بھی تھے اب کمنٹ میں دعا کرنا تھا دعا کرتے وقت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما آمین جانے انجانے کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما آمین اے اللہ آج جس کے تعریف کرنے کے لیے جس کی ज़िंदगी बयान करने के लिए हम बैठे ही अल्लाह वो इस वक्त हमारे सामने नहीं है तेरे हाल वो कहाँ है तू जानता है वो जहाँ है वहीं उसको सलामत रख आमीन दुआ सही की गलत ये नहीं बोला ना उनको यहाँ रख वहाँ रख जहाँ ही वहाँ सलामत रख वहीं रख दे उनको बाहर ना निकाल तो कल मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था आपके सामने एक औरत ने फोन किया और कहा कि हजरत तेरा नामा भेजो बेटे को भेजा 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 को से भी नामा भेजा तो और एक तो आखिर वही फोन करके पूछा को सब का नाम होना तुझे हजरत अच्छा रहना हजरत मशहूर रहना किसका भी नहीं रहना हजरत ऐसा नाम मेरे नजदीक को सब भी नाम ऐसा नहीं था बोला बोलो भाई एक काम करो बेटे का नाम करो ना रख जाओ हजरत काजी शुराई क्या नाम काजी शुराई अमर के जमाने के चीफ जस्टिस उस्मान के जमाने के चीफ जस्टिस अली के जमाने के चीफ जस्टिस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब फैसला करने पर आते तो मुल्जिम और मुजरिम को देखते आदमी के स्टेटस और हैसियत को नहीं देखते एक मर्तबा तो उनके मुकदमे उनकी अदालत में हजरत अली भी पेश हुए और अली का दावा रद्द कर को कैंसिल कर को भेजे उलमा जानते यही काजी शुराई शादी के बाद कई साल गुजर गए लिखा है किताब में 20 साल गुजरने के बाद अचानक एक मर्तबा एक अल्लाह का बंदा खुद काजी शुराई का आशिक बोले हजरत क्या किस्मत हजरत उमर के जमाने के चीफ जस्टिस तुम्हें उस्मान के जमाने के चीफ जस्टिस अली के जमाने के चीफ जस्टिस तुम्हें और बड़े मुत्तकी परहेजगार
तुम्हारे बारे में तो सारी दुनिया में चर्चा है, जहाँ फैसला नहीं होती वहाँ काजी शरीफ की अदालत में आ जाओ फैसले। बाकी अगर हजरत तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौसी चल रही, तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौसी चल रहा। हजरत ने फरमाया मियां अभी खुद मेरा फैसला बाकी है, मैं तो सबके फैसले किया हूं लेकिन मेरा फैसला बाकी है। सबका जुर्म मेरे पास आता है, एक वक्त वो होगा मेरी जिंदगी अल्लाह की अदालत में पेश होगी, मेरा फैसला होने तक मेरे जन्नती होने ना होने की कोई गारंटी नहीं। इनू बलिया इनू औलिया समझ में आ रहा है, मैं सबका फैसला किया, मेरा फैसला अल्लाह की अदालत में होने वाला है, कब्र में होने वाला है। मुझे मेरी नमाजों के साथ, मेरे रोजों के साथ, मेरी तिलावत के साथ, मेरी ज़कात के साथ, मेरे हज के साथ, मेरी हया के साथ, मेरे शर्म के साथ, मेरे उजाले के साथ, मेरे अंधेरे के साथ, मेरी जिंदगी में मैं जितने फैसले किया हूं उन तमाम फैसलों का भी हिसाब देना है। मेरे अल्लाह के फैसले के आने से पहले मेरे जन्नती होने या ना होने की कोई गारंटी नहीं। आप नमाज़ छोड़कर कुछ लोग अपने आप को जन्नती समझ रहे हैं, और उससे ज्यादा बेवकूफाना बात क्या है, नमाज छोड़कर बैठा है, उस पर नमाज का वक्त गुजर रहा है, उसके पास आने वाला अकीदत मंद ऐसे बेनमाजी को अल्लाह का वली समझ रहा है। औरतों के बीच में बैठा है जबकि कभी नबी गैर औरतों के बीच में नहीं बैठे। अबू बकर जिनको सिद्दीक का खिताब आसमान से मिला, उमर जिनको फारूक का खिताब आसमान से मिला, उस्मान जिनको गनी का खिताब आसमान से मिला। पूछो उलमा से, एक दो तीन चार पांच छह छह उलमा यहां बैठे हैं, ये खुलफाए अरबा के बाजू जितने खिताबात है ना, अबू बकर सिद्दीक, उमर, फारूक, उस्मान, गनी, अली, असदुल्लाह, ये जितने खिताबात है ना, ये नबी के अता करदा खिताबात नहीं, अल्लाह ने नबी को भेजा के पैगंबर हमारी तरफ से अबू बकर को सिद्दीक का खिताब दो, हमारी तरफ से उमर को फारूक का खिताब दो, हमारी तरफ से उस्मान को गनी का खिताब दो, इसलिए कि जन्नत के मलाइका हुरान और इमान उस्मान को गनी के नाम से याद करते हैं। सकावत वो मशहूर, अली को असदुल्लाह का खिताब दो, अली मेरे शेरों में से एक शेर है। इनकी तारीफ उठाकर पढ़ो कि कभी औरतों के बीच में बैठे। इमाम अबू हनीफा सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, या तो उनके शागिर्द फकीह बने, यानी तो उनके शागिर्दों के शागिर्द फकीह बने, तमाम शागिर्दों के उस्ताद का नाम है इमाम अबू हनीफा। वली बनो, वली को पहचानो, आज वली बनते भी नहीं, वली पहचानते भी नहीं, यही तो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। एक तो खुद वली बने नहीं और दूसरा वली को हम पहचाने नहीं। चोरों को औलिया समझ बैठे हैं, बेनमाजियों को औलिया समझ बैठे हैं, जो कुरान कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं उसे औलिया समझ बैठे हैं, जिसे सूरह फातिहा तजवीदो तर्तीदो मखारिज के साथ आता नहीं उसे वली समझ बैठे हैं, दुरूद पाक सही पढ़ना नहीं आता हम उसे औलिया समझ बैठे हैं,
جسے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا آتا ہم اسے ولی سمجھ بیٹھے ہیں, جس کو کھانے کی تمیز نہیں ہم اسے ولی سمجھ بیٹھے ہیں, جسے پینے کا طریقہ سنت نہیں ہم اسے ولی سمجھ بیٹھے ہیں, جسے سونے کے شرعی اور سنت والے آداب نہیں ہم اسے ولی سمجھ بیٹھے ہیں, جسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہم اسے ولی سمجھ بیٹھے ہیں, جسے پھونکنے کا طریقہ نہیں ہم اسے ولی سمجھ بیٹھے ہیں, جسے مسجد کا راستہ نہیں معلوم اسے ولی سمجھ بیٹھے ہیں, جسے اذان کی دعا نہیں آتی سنا نہیں آتا اور جسے توجیہ نہیں آتی, جسے التحیات نہیں آتا, جسے درود ابراہیم نہیں آتا, جسے دعائے معصورہ نہیں آتا, جسے دعائے خلود نہیں آتا, اللہ اکبر کبیرہ ہم سے زمانہ ولی سمجھ بیٹھا ہے. ایسے جھوٹے ایسے مکار ایسے فریبی لوگوں کا جب یہ علماء حق انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے. ایسے اولیاء کو ہم نہیں مانتے, ہم ابو حنیفہ کی ولایت کو مانتے ہیں, امام شافعی کی ولایت کو مانتے ہیں, امام مالک کی ولایت کو مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل کی ولایت کو مانتے ہیں, پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کو مانتے ہیں, بایزید کی ولایت کو مانتے ہیں, خطب الدین مختار کاکی کی ولایت کو مانتے ہیں, خادم فرید الدین شکر کنج رحمت اللہ علیہ کی ولایت کو مانتے ہیں. آج بھی ہماری نگاہوں میں کوئی پانچ وقت کا پکا نمازی مل گیا اس کی ولایت کو ہم مانتے ہیں, جس کے چہرے پہ داڑھی ہو اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جس کے سر پہ نبی کا امامہ و تاج ہو اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جو نظریں جھکا کر چلتا ہے اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جو جھوٹ نہیں بولتا اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جو غیبت نہیں کرتا اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جو چکل خوری نہیں کرتا اس کی ولایت کو مانتے ہیں, بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہیں کرتا اس کی ولایت کو مانتے ہیں, دولت پر جس کی نظر نہیں, عورت پر جس کی نظر نہیں, سیاست پر جس کی نظر نہیں اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جو رات کو سوتا نہیں جاگتا ہے اللہ کو بناتا ہے امت کی فکر کرتا ہے اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جو ہمیشہ روتا ہے اس کی ولایت کو مانتے ہیں, نماز پڑھ کر بھی اپنے آپ کو جو گنہگار کہتا ہے اس کی ولایت کو مانتے ہیں, روزہ رکھ کر بھی گنہگار اور پاپی سمجھتا ہے اس کی ولایت کو سمجھتے ہیں, جس کی تربیت سے بیوی بن گئی اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جس کی تربیت سے بچے بن گئے اس کی ولایت کو مانتے ہیں, جس کی تربیت سے گھر بن گیا اس کی ولایت کو مانتے ہیں. بالآخر یہ جملہ یاد رکھ لینا بہت کے مسلمانوں, ہم اسے ولی مانتے ہیں جس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خدا یاد آ جائے, ہم اسے ولی مانتے ہیں جس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خدا یاد آ جائے, ہم اسے ولی مانتے ہیں جس کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ یاد آ جائے. اسے ہمیں بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانو, سارا عالم مانے, ولیوں کو نہیں مانے تو پھر کسے مانے؟ اولیاء تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ اسے کتنی محبت کرتا معلوم, اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اولیاء سے, اتنی محبت کرتا ہے. سن رہے سو رہے کیا دلیل ہم کیا کھلے؟ میرے ابا زکریا صاحب فرماتے ہیں بیٹے مجھے 50 سال کا تجربہ با, تم نہ 10-12 سال کا تجربہ, لوگوں پر بھروسہ کر کو لمبے لمبے بیانہ کروڑوں کو. یہ پوچھا کی با بیٹے یہ بڑی چالو قومی ہے, ہم کیا کھلے سنگے خامہ دیکھ لے بڑھو. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خصوصی دوست ہوتا ہے. کوئی خاص سے بات یہاں تک آیا ہوں پھر جاؤں گا ان شاء اللہ. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خاص دوست. میں بھی دوست تمہیں بھی دوست, کلمہ پڑھ لیے دوست. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی
अल्लाह वली भाई, तुम्हारा भी अल्लाह वली, तुम्हारा भी अल्लाह वली, तुम्हारा भी अल्लाह वली, तुम्हारा भी अल्लाह वली, तुम्हारा भी सबका अल्लाह वली। और अंकल का, और अंकल का, अरे क्या भाई क्लास चल रही क्या, डिस्टर्ब नहीं होना। औरतों का भी अल्लाह वली, उनका तो स्पेशल वली, उनके मर्दों से ज्यादा एहसान किस पर हुए बोलो। औरतों का कहते भी सवाल ला रहा तो हिम्मत की इतनी पस्त होगी मालूम नहीं। आओ बोले डरनी हजरत, मर्दों से ज्यादा एहसान किस पर हुआ? औरतों पर। मर्दों से ज्यादा आप पर, औरतों को। मर्दों को कभी भी नमाज माफ नहीं, औरतों को नमाज माफ है नहीं, ये आप पर नहीं तो क्या आप पर। रमजान में रोजे माफ तो नहीं, छोड़ना बाद में कजा कर लेना, आप पर नहीं तो और। मेरे शेख आलम अल्लाह अकबर कितनी बड़ी अहम बात बताई है, हज मालूम हज, अरे मालूम नहीं बोलो भाई, मुंह बोलो, मालूम हज क्या होता अजमेर में? हाँ चाको मालूम हुआ तो नहीं होता तो मैं समझते ना हजरत भाई, इस्लाह करने बैठे हो तो इस्लाह करेंगे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मुखालफत नहीं। मोमिनीन आपस में भाई भाई है, लेकिन बात साफ बोलना कि नहीं बोलना, हज मक्के के अलावा कहीं और होता है, मदीने में हज होता है, इबादत मक्के में, मोहब्बत मदीने में। हक अता मक्के में, हक नेमत मदीने में, लबैक पढ़ने के लिए मक्का जाओ, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने के लिए मदीना जाओ। सारी दुनिया में हज का होता मक्के में, सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको हज अता फरमाए, हमारी नस्लों को हज अता फरमाए। हमारे काबा के पहुंचने के लिए कुछ रास्ते बंद हो गए कि याद करता हूँ तो रोना आ जाता है, मदीना पहुंचने के लिए दिल तड़पता है। हकीकत तो ये है मेरे दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, हम ना पहुंचे जिसकी वजह से हम जितने बेकरार हैं, हमारे ना आने की वजह से हमारा नबी भी उतना ही ज्यादा बेकरार है। हमें जितनी मोहब्बत आका से करते नहीं, करोड़ों दर्जे ज्यादा मोहब्बत आका हमसे करते। बहुत मोहब्बत करते हैं आका, दरूद पढ़कर भेजेंगे आका खुश हो जाएंगे। गुरबत की मुलाकात के मोहब्बत और मजा ही कुछ और। दुआएं करो रातों में उठकर, दुआएं करो अल्लाह सारी दुनिया के दरवाजे बंद कर दे, मक्के मदीने के दरवाजे बनने आ गए। ना कर परवरदिगार तेरा घर देखना ही नजात, तेरा घर देखना ही मकफिरत है, तेरा घर देखना तुझे देखना है, मेरे नबी के रोजे के करीब पहुंचना तेरे नबी के दीदार है। खुद के लिए भी दुआ करो, अपने बच्चों के लिए दुआ करो, दरवाजे खुलने के दुआ करो। आपको मालूम है एक नया वायरस आया, एक नया वायरस आया, जहां तक मेरा जहन कहता है, किसी किताब में किसी खबर में पढ़ा नहीं, मैं जबरदस्त चालू दिमाग का आदमी हूँ, पॉजिटिव कम सोचता हूँ, नेगेटिव ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन का एक मिजाज होता है। हाँ मेरा रहमतुल्लाह अलैह का भी वही मिजाज था। मेरे जहन में आ रही है सुबह नया वायरस लाकर सारे आलम में, सारी दुनिया में एक हंगामा मचा रहे हैं। दुश्मनों ने अब दुश्मनी इतनी ज्यादा कर दी है, अब उनके जुबान में किसी किस्म का कोई एतबार नहीं।
उन्होंने अच्छा काम करे क्योंकि हमारे नजदीक वो साजिश ही तो एक आदमी है ना नंबर पर नौ बुरे काम करे तो एक काम का एहतमाम नहीं हुआ। एक आदमी ऐसा नंबर पर नौ अच्छे काम करते है एक बुरा काम करा तो नहीं उन्हें करी ना कभी ऐसा इंसानों की मेंटालिटी होती है उसी मेंटालिटी को सामने कितनी साजिशें इस्लाम के खिलाफ कुरान के खिलाफ मक्के के खिलाफ मदीने के खिलाफ नहीं मेरी अपनी बात बता रहा हूँ सही भी हो सकती है कि गलत भी हो सकती है कि अब तीन चार महीने से हरमैन शरीफ के दरवाजे हल्का हल्का खुल रहे हैं बहुत जल्द वहां के हुक्मरान और हुकूमत सारे आलम के लिए फ्री ऑर्डर देने वाले थे अब जो चाहे जब चाहे विदाउट क्वारंटाइन के आ सकते करीब देने वाले थे करीब थे देने वाले थे विदाउट क्वारंटाइन खाली दो वैक्सीन का टेस्ट रह गया तो बस काफी उसके बाद सीधे जाकर पहले जैसे दर्द देते वैसे जाना। अब हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हज के बड़े अंदाजे के लिए फॉर्म्स भी आ गए हैं चल रहे हैं सारी दुनिया में उन्होंने आर्डर दे दिया पहले जैसे उम्र होते थे पहले जैसा हज होता था पहले जैसे तवाफ होता था आना जाना हरमैन शरीफ के अंदर जैसे आदमी की अपनी चाहत पर महमूल था वैसा होने वाला था ऐलान करीब होने वाला था अचानक फिर ये नए वायरस को लाकर सारी दुनिया में कौन पैदा कर दिए क्यों उनको मालूम है कि जिसकी दुआ अपने मुल्क में कबूल नहीं होती उनकी दुआ मक्के मदीने में कबूल हो जाती है। हमारी साजिशें वो दुश्मन सोचने लगे हमारी साजिशें धीरे धीरे कामयाब होती जा रही हैं फिर से अगर हरमैन शरीफ का वो मजमा जमा हो गया तो हमारी साजिशें इतनी मेहनत के बाद नाकाम हो जाएगी। अब इस हरमैन शरीफ के हुक्मरानों को डराने के लिए मिसाइल और बम की जरूरत नहीं वायरस से डराओ ये बहुत जल्द डर जाए। आज पहली मरतबा कल जुमा में ये बात बोलने वाला था बात याद आ गई कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी तो फिर मैंने आपके सामने इस राज को रख दिया जो मेरे जहन में बहुत सोचने के बाद यही नतीजा निकला है वो आपके सामने रख दिया। दुआ करो कि हरमैन शरीफ के दरवाजे खुल जाए। मेरी माँ और बहने तुम्हारे पास ताकत है फौरन हज को उम्रे को जाने की इसलिए कि तुम्हारे पास जेवर है जेवर फिर बन सकता है थोड़ा थोड़ा बन सकता है हज थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकते उम्रा थोड़ा थोड़ा नहीं कर सकते क्या मालूम कि किस अब्बा के इरादे में सदाकत हो किस बहन के इरादे में सदाकत हो वो इरादा कर ले कि जैसे ही हरमैन शरीफ के दरवाजे खुले उम्रे की कितनी भी कीमत रख दो जेवर बेच को मेरे नौशों को साथ ले को मैं जाता हूं बोलो तुम्हारी नीयतों पर अल्लाह आलम के फैसले करके तुम्हारी नीयतों पे आलम के फैसले करते हैं तुम्हारी दुआ 70 औलिया की दुआ से ऊपर है तुम क्या समझ बैठी हो मेरी माए सिर्फ अल्लाह मर्दों की सुनता है औरतों की नहीं सुनता अल्लाह पीरों की सुनता है मुरीदों की नहीं सुनता अल्लाह शुयूख की सुनता है किसी की नहीं सुनता अल्लाह अपने औलिया की सुनता है और उसके नाफरमानों की नहीं। मेरा रब की यही तो बड़ी शान है जो उसकी मानता है उसकी भी सुनता है जो उसकी मानता नहीं उसकी भी सुनता है। ऐसी ऐसी आदत रखने वाली सारी कायनात में कोई एक जात है तो वो सिर्फ मेरे अल्लाह की है उसकी अलावा कोई नहीं। मेरा भी यही मिजाज है मौलाना मुझे चाहते हैं तो क्या बोलते मैं सुन दूं नहीं चाहने वाले कि मैं सुन दूं। अरे माँ भी वो पालने की उम्र तक पालती जब बच्चा बड़ा होकर माँ की खिदमत करने की उम्र को आता खिदमत कर या तो माँ चाहती नहीं तो नहीं चाहती बाप खिदमत कर या तो चाहता नहीं तो नहीं चाहता लेकिन मेरे अल्लाह की वो शान नहीं है। नमाज पढ़ो तब भी बंदों की सुनता है नमाज न पढ़ो तब भी बंदों की सुनता है। गुनाह करो तब भी बंदों की सुनता है गुनाह न करो तब भी बंदों की सुनता है उसे मनाओ। हमेशा दुआ में लगना भी विलायत की दलील है। अब उम्मत दुआ करती है हाथ उठाती है मांगती है नमाज पढ़ को ऐसा उड़ती कि बहुत बड़ा इल्जाम लगा पुलिस वाला छोड़ जाएगा
एक जमाना मोजन सामान टंग आ जाते थे, कब चलिए अगला मस्जिद कब बंद करेंगे, साढ़े आठ बजे इशा की नमाज का तो 10 बजे तक भी मस्जिद खुली रहती, पढ़ को सुन्नता पढ़ ले को एक्स्ट्रा नमाजा पढ़ ले को दुआया कर को रोको रोको दुआया कर को जाते तब जाकर मोजन साहब आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पूरा सलाम खत्म होते ही उठ के चले जाते। बीमारी है, दुआ नहीं करते तुम्हें ही ना हजरत दुआ करने के वास्ते, फिर मैं हूं ना खाना खाने के वास्ते तू की खड़ा, तेरा दुकान चलाने मैं हूं ना बा, देना दुकान दुआ देना ले आदमी दुकान भी देना प्रॉपर्टी देना नहीं पूरे चीज मैं संभाल तू ये कि तुम्हें संभालो ये रोड का पोतरा करेंगे दुआ 24 घंटे में नमाजों के औकात नमाज पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा 10 मिनट रोजाना कौन कौन दुआ करेंगे, हाथ उठाओ, सबसे हाथ ना कांग्रेस के नहीं, नमाज के बाद मौलाना की दुआ में आमीन बोलो के बाद जब मौका मिलता रोजाना 10 मिनट रोजाना 2-3 दुआ रिपीट करको करको अल्लाह जितना मनाती उतना मना को अल्लाह से दुआ और अल्लाह मेरी सास को अम्मा बना दे, सबको दे रहा मेरी सास को की दे रहा नहीं क्या सब भी दे रही हर घर को जाको देव को पुष्पों को हारियो इतने भगवान चुपके चुपके रोसो अल्लाह मेरी सास के दिल में मेरी मोहब्बत रखा क्या अल्लाह नहीं करेंगे, अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत अता कर, उसकी बीवी तो मुझे बनाया तेरे नाम से मैं उसकी बीवी बनी, तेरा नाम बीच में ना होता तो मैं उसकी बीवी कैसे बनती, तेरे हुक्म से तेरे नाम की बरकत से उसका मुझे देखना मेरा उसे देखना जायज हुआ, अल्लाह जब तू बीवी बनाया है तो तेरा कुरान कहता है मियां बीवी के दिल में तू मोहब्बत मवद्दत उल्फत रहमत अता करता, हमारे दोनों के दरमियान में मोहब्बत अता फरमा रहमत अता फरमा उल्फत अता फरमा, मंगो अल्लाह देता, नींबू लगा वाटर लेकर नींबू में रस निकलता मोहब्बत निकल दी, रुकू क्या तू डोरी ले लगा वो टके के नीचे क्या है नॉर्मल इतना बड़ा उसे कपड़े पीना को सीधे पहली से कपड़े उतार दे नारायण तू पर्दा तुझे पर्दा आप कल शादी में हला बजा अपना शादी में हला वो कुर्सियों को कपड़े पीना को एक नंबर के बेवकूफ घुगू भी आपको इतने घुगू के बीच में मैं रहा तो घुगू बन जाऊंगा मैं तो चल जाऊंगा वो कुर्सियों में बा हया बा पर्दा बा शर्म कुर्सियों में बैठने वाली बेशर्म सही नहीं है सर ठीक है आप तो नहीं दिमाग में बात आई लेकिन बोले नहीं भाई बोल दा लिया ये तो मेरा मुंह को बिलक नहीं ना मेरे गाड़ी में 80-100 स्पीड जो रहती है हम में भी वो साफ बोलते हुए पीछे हटता नहीं कितना दीवानापन है देखो कुर्सियां को कपड़े इसके सर में पल्लू मैं तो कहता हूँ ऐसी मनहूस और बेशरम औरतें जिनकी शादियों में जाएगी इन हुसस से नए दुल्हा दुल्हन की मोहब्बत पर असर पड़ेगा
नेकियों का जब असर पड़ता है तो गुनाहों की लहू सब का भी असर पड़ता है। बात लंबी हो गई, मुझे निजामबाद जाना है, वसीले में प्रोग्राम का मौका मिल गया, बहुत खुश हो गया, इसलिए कि मेरा एक छोटा सा तजुर्बा है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं छोटा आदमी हूँ। जिस इलाके के अंदर प्यास जितनी रहती है, अल्लाह ताला मुकर्रिर के ज़हन में वैसा उनवान देता है। आपके गांव में प्यास ज्यादा रहती है, आपका मिजाज बहुत अच्छा है। अल्लाह के उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ, इनकी आप तरबियत और कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुकर्रिर कर रहे हैं, और तरबियत में इजाफा हो गया तो इंशाअल्लाह ताला ये और चलती। एक वसीले में आया ऐसे ही मुस्तकिल प्रोग्राम पर, मुस्तकिल प्रोग्राम पर मेरे दोस्त के फर्जंद के निकाह में हाजिर हुआ, वसीले में आया, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा जहन इतना खुल गया कि मैं जहाँ शुरू किया वहाँ वापस जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। बाकी यकीन बहुत अच्छा गाँव होते हैं, उलमा के साथ जुड़े रहे, अकीदे अच्छे रखे, मसाइल पर अमल करे, फराइज पर अमल करे, वाजिबात पर अमल करे, सुन्नतों पर अमल करे, मुस्तहबात पर अमल करे, नवाफिल पर अमल करे, गुनाहों से बचे, अगर अल्लाह चाहे तो सारे आलम के इंकलाब का काम यहाँ से लेगा। जरूरी नहीं, मेरे आका आने से पहले मक्का या करिया था, लेकिन काम कितना बढ़ा दिया, दीन की तकमील का काम मक्के और मदीने में हुआ। दुआ करो हालात बदल जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। गलत बात लंबी हो गई, मक्के मुकर्रमा हर तो क्या पर बर्बाद कर रहा था, था ना कहीं पहुंच को आए हजरत बोलेंगे उसके आस्ते को लोग हज का होगा। हज के जितने अहम अरकान हैं उनमें से अहम रुकन क्या, काबतुल्लाह का तवाफ, जिसे तवाफ ज़ियारत कहते हैं। लेकिन हाजी हज को जाता है अजान बोलेंगे,